नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। गृह मंत्रालय ने भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था को तत्काल निलंबित करने की सिफारिश की है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके पीछे देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का कारण बताया है। बता दें कि मणिपुर में अशांति फैलाने वाले कुछ अलगाववादी संगठन का म्यांमार से कनेक्शन निकला था। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन करने के प्रावधान वाले विधेयक को आज लोकसभा में पेश किया गया, जिसे राज्यसभा में पहले ही पास करा लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में श्रील प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी की स्मृति में पोस्टल स्टैंप और स्मारक सिक्का जारी किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि आज ये कार्यक्रम ऐसे समय में आयोजित हो रहा है जब कुछ ही दिन पहले भव्य राम मंदिर का सैकड़ों साल पुराना सपना पूरा हुआ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया। इसमें उन्होंने मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को लेकर ब्लैक पेपर पेश किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम प्रमुख मुद्दे के तौर पर बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रहे हैं, इसके बारे में बीजेपी कभी बात नहीं करती है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज बांग्लादेशी विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इस दौरान सीमा पार कनेक्टिविटी सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत हुई। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। हत्या के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन अब मामले में नया मोड़ आ गया है। मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उसे गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए उसकी आजीवन कारावास की सजा को 10 साल की जेल की सजा में बदल दी है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का धीरज साहू से सामने आया कनेक्शन। बीजेपी ने इंडी गठबंधन को बताया दीमक अलायंस। बता दे कि धीरज साहू के घर से 300 करोड़ का अवैध नकदी बरामद हुआ था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा में वार पलटवार देखने को मिल रहा है, जहां खड़गे ने आज देवगौड़ा पर कांग्रेस का साथ छोड़ भाजपा के साथ जाने पर तंज कसा। खड़गे के बयान पर देवगौड़ा ने भी पलटवार कर तंज कसते हुए पूछा कि क्या कांग्रेस उनको देश का प्रधानमंत्री बनाना बर्दाश्त करेगी। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की चर्चा पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसी को अगर झूठ बोलना है तो उसे भाजपा से सीखना चाहिए। भाजपा झूठ बोलने में माहिर है। कैसे किसी को बदनाम किया जाता है, कैसे किसी के चरित्र को संदिग्ध बनाया जाता है, इस तिगड़म में भाजपा बहुत आगे है। जयंत चौधरी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच समय समय पर वार्ता होती रहती है और सीटों के बंटवारे पर भी बातचीत हुई है। बिहार के गोपालगंज में शराब पीने व बेचने वाले पर हुआ बड़ा एक्शन। महज एक ही दिन में 47 लोगों को किया गया गिरफ्तार, साथ ही 9 से लाई जा रही 311 लीटर शराब भी किया गया जब्त। किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण नोएडा में लगा भारी जाम। दिल्ली यूपी सीमा पर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। जालंधर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 8 गुर्गे को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों के पास से 3 पिस्तौल, 10 कारतूस और वाहन बरामद किया गया है। इन आरोपियों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज है, जिनमें धमकी, जबरन वसूली व अन्य आपराधिक गतिविधियां शामिल है। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ कांग्रेस विधायक दल द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव, 24 विधायकों ने किए हस्ताक्षर, विधानसभा स्पीकर को भी भेजी चिट्ठी। उत्तराखंड के आईएफएस अधिकारी सुशांत पटनायक के घर पर ईडी ने छापा मारा है, जहां 7 फरवरी को ही सुबह 4 बजे से अधिकारी उनके घर पर मौजूद है। इस दौरान खबर है कि ईडी अधिकारियों को छापे के दौरान बड़ी मात्रा में कैश और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं। झारखंड में फाइलेरिया को लेकर चंपई सोरेन सरकार हुई गंभीर। 10 फरवरी से 25 फरवरी तक सामूहिक रूप से दवा खिलाने का अभियान चलाने का लिया फैसला। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच हुआ मुठभेड़, सुरक्षा बल ने 8 लाख के इनामी नक्सली को किया ढेर। हरदा पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधानसभा में कहा कि इस घटना में शामिल किसी भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि घटना की निष्पक्ष तरीके से जांच की जा रही है। हिमाचल के स्कूल कॉलेज में ई सिगरेट पर लगा बैन, बेचते या पीते पकड़े जाने पर लगेगा तगड़ा जुर्माना। श्रीनगर में आतंकियों द्वारा सिख युवक की हत्या के बाद बढ़ा रोष, बजरंग दल ने किया प्रदर्शन, राजनेताओं ने की कड़ी कार्रवाई की मांग।
पश्चिम बंगाल में ईडी पर हुए हमले की एसआईटी जांच के गठन पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 6 मार्च को होगी अगली सुनवाई। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका, जहां पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी ने आज पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सिद्दीकी ने कहा कि जब मैं युवा था तब कांग्रेस का दामन पकड़ा था और आज 48 साल बाद पार्टी छोड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि मेरा सफर काफी शानदार रहा और कई बातें हैं जो अभी कहना सही नहीं है। अटकलें लगाई जा रही है कि सिद्दीकी किसी दूसरी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी के ओबीसी परिवार में पैदा नहीं हुए थे पीएम मोदी वाले बयान पर अब बीजेपी ने किया पलटवार, कहा अब देश नहीं सहेगा और अपमान। राजस्थान की बजट से जनता की हुई बल्ले बल्ले, युवाओं को भी मिलेगा फायदा, 70,000 पदों पर निकलेगी भर्ती। हाल ही में अल्जाइमर डिजीज से जुड़ी एक स्टडी सामने आई है, इसमें इसके प्रभाव को कम करने के तरीके के बारे में पता चला है। इस स्टडी में पाया गया है कि हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने से न केवल अल्जाइमर के खतरे को कम कर सकते हैं, बल्कि जिन लोगों को अल्जाइमर है उनमें भी कॉग्निटिव डिसलाइन को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके लक्षणों को कम करने और इससे बचाव करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल की तो काफी अहम भूमिका है ही, लेकिन इसके लिए कुछ चीजों से परहेज करना भी जरूरी है, जैसे स्मोक ना करना, शराब ना पीना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन डाइट फॉलो करना और दिमाग को हमेशा एक्टिव रखना, ये सब शामिल है। भारतीय सेना की ओर से अग्निवीर भर्ती 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है। यह भर्ती अग्निवीर, जीडी टेक्निकल, क्लर्क, स्टोर कीपर एवं ट्रेड्समैन के रिक्त पदों को भरने के लिए निकाली गई है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वे 21 फरवरी तक ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग बाकी हैं, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। दोस्तों ये थी दिन भर की बड़ी खबरें, ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को भी दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।